आपने एग्जाम्पल अभी आपने इंडिया की दी थी आप इंडिया को देख लें नाइन्टीज़ के दौर में इंडिया के अंदर सिर्फ आपको इंडिया की एक आधी गाड़ी मिलती थी और बाहर की इंपोर्ट कोई नहीं थी और उन्होंने अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करके आज दुनिया के जितने बड़े ऑटो मैनुफैक्चर हैं वो हार्ले डेविडसन हो या वो दुनिया की कोई भी कंपनी हो वो इंडिया में गाड़ी प्रोड्यूस करते हैं इनफैक्ट इंडिया से प्रोड्यूस करके एक्सपोर्ट करते हैं चुनी मुन्नी की गाड़ी की ये बात कर रहे हैं या सिर्फ चार साल पाँच साल पहले हमने चुनी मुन्नी नाम रखा था हम दोनों ने मिलकर ही रखा था तो वो पड़ोस मुल्क में

और क्वालिटी भी इतनी quality... नहीं है है जो हमें मिल रही है। वो क्वालिटी इसलिए क्यों उन्होंने टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर किया नहीं, ना यहाँ पर तो असेंबली हम बना रहे हैं दोस्तों आज के इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया में बात हो रही है कि भारत में जो गाड़ी चार लाख में मिलती है वो पाकिस्तान में सोलह लाख में मिलती है दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि अभी तक हम पाकिस्तान में एक भी कार नहीं बना सके वहीं भारत में टाटा और महिंद्रा जैसी कई सारी कंपनियाँ हैं जो कि खुद की कार बना रहे हैं तो दोस्तों इसी पे पाकिस्तानी मीडिया का जबरदस्त रिएक्शन देखने को मिला है तो आइए देख लेते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन क्टर शहबाज ने भी जिक्र किया कि जो लोकलाइजेशन है कि अगर आप लोकली गाड़ियां प्रोड्यूस कर रहे हैं तो जाहिर है कि उसका इम्पैक्ट डॉलर का इम्पैक्ट कम से कम होगा अब इस हवाले से जो कार मैन्युफैक्चरर्स हैं या असेंबलर्स हैं पाकिस्तान में उनका यह दावा है कि अगर बड़ी गाड़ियों को देखें तो कोई बुनियादी फर्क आपको नजर नहीं आता लेकिन इनके दावों के बरकस अगर आप भारत के साथ कंपैरिजन करें तो जो भारत में गाड़ियों की कीमतें उसमें और पाकिस्तान में गाड़ियों की कीमतों में, में, की में अच्छा खासा फर्क नजर आता है एक जो सबसे बड़ा फैक्टर कि अगर पाकिस्तानी रुपयों की मैं बात कर रहा हूं कि 10 लाख रुपए की रेंज में 10 लाख रुपए कम पैसे नहीं होते आपको इस वक्त पाकिस्तान में कोई गाड़ी नहीं मिलेगी जबकि भारत में आ, पाकिस्तानी रुपयों में दस लाख की रेंज में आपको कम अज कम सोलह गाड़ियां इस वक्त दस्तियाब हैं, और इसी तरह से आ, भारत में या पाकिस्तान में अगर बात करें जो सस्ती तरीन गाड़ी जो स्टार्ट होती है वो 11 लाख रुपए से शुरू हो रही है जबकि भारत में जो सस्ती तरीन गाड़ी जिसका स्टार्ट होता है और वो पाकिस्तानी रुपयों में बात कर रहा हूं वो 6 लाख रुपये की है तो यहां पर एक कंपैरिजन भी आपको थोड़ा देते चले कि फॉर एग्जाम्पल जो हमारी टीम ने भी रिसर्च की है कि भारत में अगर आप देखें ऑल्टो जो मारुती ऑल्टो से कहते हैं सुजुकी का ही ब्रांड है उसकी जो स्टार्टिंग प्राइस है वहां पर वो तकरीबन तीन लाख रुपए भारतीय रुपयों में है अगर आप उसको पाकिस्तानी रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो वो बनती है कोई छह लाख साठ हजार रुपये लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर पाकिस्तान में इसी ऑल्टो की बात करें तो इस वक्त उसकी जो स्टार्टिंग प्राइस है वो 12 लाख रुपए है और 12 लाख में भी आपको उसमें एसी और बाकी फैसिलिटीज उस गाड़ी में नहीं मिलती